आजकल तो नेता लोग संसद में बैठ के बयान देते हैं कि हिंदू लोग तो जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा फैलाते हैं। देखो जरा अब ये नेता लोग बयान क्या दे रहे हैं, हिंदुओं को कह रहे हैं साहब, इनकी हिम्मत और किसी को कहने की नहीं है। जो खुलेआम आतंक का ठेका लिए बैठे हैं उनको नहीं बोल रहे हैं कि ये हिंसा फैलाते हैं, हिंदुओं को बोल रहे हैं कि हिंसा फैलाते हैं। देख लो आप। और ये वो लोग कह रहे हैं जो खुद भारत के नहीं। जिनकी सोच भारत से मैच नहीं करती, जिनका भारत के संस्कार और संस्कृति से कोई लेना देना, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि राम सेतु तो काल्पनिक है, राम सेतु को तोड़ने की इन्होंने मुहिम चलाई थी उस जमाने में। आप लोग भूल जाते हैं बड़े जल्दी। ये वही लोग हैं कि स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव का प्रचार किया तो कृपात्री जी के पास गई। हमारे देश में एक बड़े संत हुए स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज। ये उस जमाने की बात है जब अभी नया नया देश आजाद हुआ था। इंदिरा गांधी जब प्रचार करने गई चुनाव का तो स्वामी श्री कृपात्री जी से मिली और कहा महाराज हमें चुनाव जिताओ। स्वामी श्री कृपात्री जी ने कहा कि हम तुम्हें चुनाव में समर्थन देते हैं, सारे भक्तों से कहेंगे कि तुम्हें वोट करें, लेकिन शर्त है तुम गौहत्या बंद कराना। इंदिरा गांधी जी ने कहा था मैं गौहत्या बंद कराऊंगी। फिर स्वामी श्री कृपात्री जी ने इंदिरा गांधी के लिए काम किया कि भाई ये चुनाव जिताओ क्योंकि ये महिला गौहत्या बंद कराएगी। कहा था उसने कि मैं पहला काम गौहत्या बंद कराने का करूंगी, इंदिरा गांधी जी ने कहा था। चुनाव हुआ, चुनाव जीत गई। स्वामी कृपात्री जी को लगा अब करेगी अब करेगी। एक महीना बीत गया, दो महीना बीत गया, कई महीने बीत गए, गौ हत्या बंद नहीं हुई। तो स्वामी श्री कृपात्री जी ने गायों को इकट्ठा किया, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई और यहीं से गाय लेकर दिल्ली की तरफ कूच की, संसद भवन की तरफ, संसद भवन का घेराव किया। संत सारे संत हजारों संत थे, हजारों गाय थी, गाय और संत दोनों थे। इंदिरा गांधी को पता चला कि संत लोग आ गए हैं और गाय आ गई हैं, तो संतों पर स्वामी श्री कृपात्री जी पर गोलियां चलवा दी। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, ऑन रिकॉर्ड है, ऐसे नहीं बोलता मैं। सारी ना जाने कितनी गाय मारी गई, कितने सारे साधु मारे गए। स्वामी श्री कृपात्री जी को भी लगभग गोली छूते हुए यहां से निकल गई, उनकी एक आंख डैमेज हुई और उन्हें जेल में डाला गया। कई महीने तक स्वामी कृपात्री जी जेल में रहे। जो गाय के लिए लड़ा उसे जेल में डाला गया। अब वो लोग कह रहे हैं कि हिंदू आतंकवादी होता है, मतलब हिंदू को, भगवा को, हिंदुओं को आतंकवादी भी तो कहा था इन्होंने। अब हिंदुओं को ये क्या कह रहे हैं कि ये हिंसा फैलाते। अरे भैया, हिंदुओं पर ही तुमने अत्याचार किए हैं। आज सुनो, हमारे देश में जातियां थी, जातिवाद नहीं था मेरी मां। ये जातिवाद का जहर किसने फैलाया है? नेताओं ने। नेताओं को आपस में लड़ाने से फायदा होता है। आप लड़ गए, मैं ब्राह्मण हूं, मैं यादव हूं, मैं राजपूत हूं, मैं जाटव हूं, मैं फला हूं, मैं जाट हूं, सब आपस में लड़े, फायदा हुआ नेताओं का। और तुम आपस में लड़ते आए, आज भी लड़ रहे हो। यदि आपस में हिंदू ना लड़ता तो क्या ताकत थी मुगलों की और अंग्रेजों की कि वो भारत को गुलाम बनाते। भारत अभी भी आजाद नहीं है, अभी भी जातवाद की लड़ाइयां लड़ रहा है, अभी भी जातवाद के चक्रव्यूह में उलझा हुआ है। ये जातवाद समाप्त करने की जरूरत। जातियां बनाई गई थी व्यवस्था के लिए। ब्राह्मण की व्यवस्था है, क्षत्रिय की व्यवस्था है, वैश्य की व्यवस्था है, शूद्र की व्यवस्था है, पर इस जातियों में जातवाद शब्द घुसाया गया। इसलिए
भारत सबसे अच्छा है, भारत माता की। तो अब बताओ अमेरिका अच्छा कि भारत? पैसे से तुलना नहीं होती साहब, याद रखना। जो लोग कहते हैं ना भारत तो अमेरिका बड़ा संपन्न है, पैसे से क्या होता? पैसे से नहीं, चरित्र से तुलना करो। राम और रावण की तुलना होगी तो पैसे से होगी कि चरित्र से होगी, बोलो? हाँ, हम भारतीय लोग पैसे को बड़ा मानते ही नहीं, हम भारत के लोग चरित्र को बड़ा मानते हैं। राम चरित्र सुनवे को रसिया, और राम लखन सीता मन। इसलिए हम भारतीयों को चाहिए कि हम सनातनी संगठित रहें। संगठित रहोगे तो बचे रहोगे, वरना अस्तित्व मिट जाएगा। ये षड्यंत्र कोई आज का नहीं है। अपने गीता को, भारत में कुछ लोग ऐसे हैं हिंदू जो रामचरितमानस को जला देते हैं। अरे मूर्खों, पढ़ तो लो कि लिखा क्या है। गीता को पढ़ते नहीं है, गीता की आलोचना करते हैं। पढ़ तो लो कि लिखा क्या है, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं और उल्टे काम करेंगे। इसलिए भारत में सदा से नारियों को पढ़ने का अधिकार था। अच्छा बताओ, भारत में सती प्रथा थी या नहीं? उत्तर दो जोर से, जोर से, जोर से। देखो आपको कितना गलत पढ़ाया गया, सारे बोल रहे हैं थी। यदि थी तो बताओ माता कौशल्या सती क्यों नहीं हुई? उत्तर दो। आप कह रहे हो ना कि सती प्रथा, मतलब तुम भारत के बारे में कुछ नहीं जानते। बस कोई अध्ययन नहीं है भारत के बारे में आपका। बताओ, आपने बोला ना कि भारत में सती प्रथा थी, थी तो माता कौशल्या सती क्यों नहीं हुई जब दशरथ जी की मृत्यु हुई? तो यदि थी तो माता सुमित्रा माता क्यों नहीं सती हुई यदि सती प्रथा थी तो? चलो वो तो त्रेता की बात थी, द्वापर में। बताओ यदि सती प्रथा थी तो पांडु के मर जाने पर माता कुंती सती क्यों नहीं भई? उत्तर दो। इसका मतलब ये है कि भारत को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने अपने मन से सती प्रथा स्टार्ट कर दी, ताकि दुनिया को वो ये बता सकें कि देखो भारत के लोग नारियों पर कितना बड़ा अत्याचार करते हैं। भारत को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र के तहत बाद में राजा राम मोहन राय ने इस परंपरा को बंद कराया, सती प्रथा को। ये पहले से नहीं थी, यदि पहले से रही होती तो माता कौशल्या सती क्यों नहीं भई? फिर थी तो सबके लिए थी। फिर रावण मरा तो मंदोदरी सती क्यों नहीं भई? बाली मरा तो तारा सती क्यों नहीं भई? यदि थी तो ये सती क्यों नहीं भई? इसका मतलब ये सती प्रथा सती थी, पर कौन? जो अपनी इच्छा से जाना चाहे, पति के साथ जलना चाहे तो अपनी इच्छा से जाती थी। कोई जोर जबरदस्ती नहीं था कि हाथ पांव पकड़ के चिता में फेंक दिया जाता था। ये कुछ राजाओं ने क्या किया कि जब युद्ध में बहुत सारी सेना मारी गई तो उनकी पत्नियां विधवा हो गईं, तो उन लोगों को लगा कि कहीं ये अब विधवा स्त्रियां कहीं समाज में कुछ और किसी प्रकार का उनके मन में कोई डाउट रहा होगा, तो उन्होंने जानकर जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उन राजाओं ने, कुछ राजाओं ने जानकर महिलाओं को जबरदस्ती आग में डालना स्टार्ट किया। जौहर परंपरा थी हमारे भारत में,
स्त्रियां पति के मरने पर कुछ महिलाएं अपने मन से, कोई जबरदस्ती आग में नहीं डालता था, अपने से, जैसे पृथ्वीराज जी के मरने पर माता जौहर हो गई, हाँ या ना? तो नारियों पर अत्याचार कभी था ही नहीं। जो कहते हैं ना नारियों पर भारत में बड़ा अत्याचार था, कहां था भाई? तुम इतिहास जानते हो? हमारे यहां नारियां महारानी बन के रहती थी, रानी दुर्गावती। पहले तो रानियां राज्य संभालती थी, मतलब लड़कियां बेटियां राज्य संभालती थी, और प्रजा बन के हम सब उस रानी का, महारानी का आदर करते थे। मतलब लड़कियों का इस प्रकार आदर सम्मान था कि वो महारानी बनती थी। उदाहरण के तौर पे रानी दुर्गावती को आप देख लो, उदाहरण के तौर पे माता अहिल्याबाई को देख लो, और हर राज्य में अलग अलग नारियों का आपको चरित्र और इतिहास मिलेगा। हमारे भारत के हर राज्य में कोई ना कोई रानी का इतिहास जरूर मिलेगा आपको। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो भारत हमारा सबसे सुंदर है, सबसे उत्तम है।